योगी आदित्यनाथ ने नामांकन से पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। नामांकन के बाद करेंगे सभा, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग से यूपी से लेकर दिल्ली तक मचा हड़कंप। मेरठ से लौटते वक्त हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास चली गोलियां। काफिले पर फायरिंग के बाद बोले ओवैसी, दो लोगों को कैसे पता चला कि मैं कितने बजे छिजारसी टोल से होकर जाऊंगा। वारदात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, मेरी गाड़ी पर तीन चार लोगों ने हमला किया, चार राउंड की फायरिंग के बाद हथियार छोड़कर भागे आरोपी। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, मेरी हत्या की कोशिश हुई, मैं संसद में इस मसले को उठाऊंगा, केंद्र और राज्य सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। ओवैसी पर हमले के बाद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक का बयान, सहारनपुर के रहने वाले शिवम और नोएडा के सचिन ने की फायरिंग, दोनों गिरफ्तार। हापुड़ के एसपी ने कहा, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान दिया बयान, ओवैसी की बयानबाजी से थे नाराज, जांच में जुटी पुलिस। ओवैसी पर फायरिंग के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में सुरक्षा कड़ी, समर्थकों ने दुकानें बंद करवाकर काले झंडे के साथ किया प्रदर्शन, चार मीनार मक्का मस्जिद के आसपास अलर्ट। चुनाव से पहले पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी का भांजा भूपेंद्र सिंह हनी गिरफ्तार, आज मोहाली कोर्ट में होगी पेशी। चुनावी कामयाबी के लिए बंगलामुखी मंदिर पहुंचे चन्नी, हिमाचल के कांगड़ा पहुंचकर आधी रात में की पूजा अर्चना। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं कांग्रेस का सीएम चेहरा, सिद्धू को मनाने में जुटी है कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में विवाद बढ़ने की संभावना। आज यूपी के 5 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए वर्चुअल रैली करेंगे, यूपी के अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ में पीएम मोदी की जन चौपाल। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली से लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने किया खास इंतजाम, 122 जगहों पर संबोधन को सुनने का इंतजाम किया गया। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी की उत्तराखंड में आज होने वाली पहली वर्चुअल रैली रद्द, उत्तराखंड के 4 जिलों के 56 लोकेशन पर होनी थी रैली। यूपी में छठे चरण की 57 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, महाराजगंज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती समेत 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को होगा मतदान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी में धुआंधार प्रचार अभियान जारी, आज जालौन का करेंगे दौरा, कोच और उरई में है जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में करेंगी चुनाव प्रचार, दोपहर 12 से 3 बजे तक चलेगा जनसंपर्क अभियान, डोर टू डोर करेंगी कैंपेन। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान टकराया अखिलेश जयंत और प्रियंका का काफिला, गर्मजोशी से हुई मुलाकात, अखिलेश बोले दुआ सलाम, प्रियंका बोली आपको भी राम राम। बीएसपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अमरोहा में करेंगी जनसभा, मुरादाबाद मंडल के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार, रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट। आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश, फतेहाबाद सीट से प्रत्याशी रूपाली दीक्षित के समर्थन में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीती रात ग्रेटर नोएडा के दादरी में किया चुनाव प्रचार, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी से किया स्वागत। आज गोवा के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, गोवा में कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र, पार्टी कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी करेंगे संवाद। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर दिया विवादित बयान, बीजेपी ने जताई नाराजगी। और बागी नेताओं ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, 5 बागी नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे टक्कर, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।